अजीज तलबा और तलबात आदाब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जाने पेश करने वाले तदरीसी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर एस मकबूल अहमद आपका खैर मकदम करता हूँ आज का मौ दुवम तलबा के लिए है नबातियात के साल दुवम के पहला ब्लॉक की पहली इकाई से लिया गया है मौजू का नाम नबाती खलिया साख्त और अफ़ाल चलिए हम सबक शुरू करने से पहले आपको बता दें खलिया होता क्या है खलिया तमाम अजवियों की साख्ती फैलियाती इकाई है खुरुद अजविए जैसे बैक्टीरिया फफोन् आला पौधे व वैवानात बुनियादी तौर पर जिन इनफरादी इकाइयों से बने होते हैं इन इकाइयों को खलिए कहते हैं खलिए के मुताला को खलियात या साइटोलॉजी कहते हैं सबसे पहले खलिए को रॉबर्ट हुक्क ने सोलह सौ पैंसठ में दरिया किया लफ्ज़ खलिया लातीनी लफ्ज़ सेलुला से अक्स किया गया सेलुला के मानी खाने के हैं खली के अकसाम जैसा आप स्लाइड देख रहे हैं पेशे नवाती खलिया और कामिल नवाती खलिया पेशे नवाती खली को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं जिसकी मिसाल जो है जरासिम और नीलगू सब्ज़ आलजी है और कामिल नवाती खलिया पौधे और हैवानात मिसाल के तौर पर दिए जाते हैं पेशे नवाती खलिए ये इब्तदाई खलिए माने जाते हैं इन खलियों में मरकज़ा मरकजी झिल्ली गैर मौजूद होती है लेकिन कामिल नवाती खलिए ये तमाम आला नबातियात हैवानात के ग्रोह में पाए जाते हैं ये बहुत ज़्यादा तरक् याफ्त समझे जाते हैं इन में मरकज़ी नुमाया और वाज़ खलवी झिल्ली मरकज़ी झिल्ली और मरकजी माया पाया जाता है खली में पाए जाने वाले तमाम खलवी अजवीचे दो झिल्लियों पर मुस्तमिल होते हैं चलिए अब हम आपको चंद खलियों के स्लाइड्स बता रहे हैं जैसे कि ऊपर के दाएं जानेब एक नबाती खलिया का स्लाइड है और बाएं जानब अमीबा प्रोटियस का खलिया है दरमियान में जो नज़र आ रहा है ये बैक्टीरिया का खलिया है और उसी तरह से निचले जानब दाएं तरफ पस्तानियों के आर बी सी का खलिया है और बाएँ जानब एक अजबी खलिया है अब आप मुख्तलिफ खलियों के मिसाल देखे हैं चलिए हम आपको सेल थ्योरी के बारे में तफसील से बताएँगे। सेल थ्योरी होती क्या है तमाम जिंदा अजविये छोटे इकाइयों से बने होते हैं इनको खलिये कहते हैं खलिया एक जीनियाती फैलियाती और तबारसी इकाई होता है इसी को सेल थियोरी कहते हैं जैसा कि स्लाइड में बताया जा रहा है खलवी नज़रिया को स्लाइडन और श्वान ने दरियात किया रुडोल्फ विर्चो ने दरियाफ्त किया कि नए खलिए पहले से मौजूद खलियों से नमोदार होते हैं इसको अमनिस सेलुला ए सेलुला भी कहा जाता है इस दरियाफ्त में खलवी नज़रिया में एक नए पहलू का इजाफ़ा हुआ यानी खलिए तमाम अजवियों की तवारसी इकाई है अब आपको जो है खलिए की अंदरूनी साख्त के बारे में तफसील से एक स्लाइड बताने जा रहा हूं, उस स्लाइड को आप देखने के बाद आपको ख़ुद को एक अंदाज़ा होगा कि खलिए के अंदर किस तरह के मुख्तलिफ़ खलवी अजवीचे पाए जाते हैं खलिये की अंदरूनी साख्त का स्लाइड जो देख रहे हैं इसके दरमियान में एक बड़ा सा खालिया नज़र आ रहा है ये थैली नुमा साख्त की तरह है और इसके निचले जानेब जाने सब्ज़ मायादान पाए जा रहे हैं और दाएं जानब एक कुरवी शक्ल की साख्त होती है इसको मरकजा कहते हैं इस खलिये के अंदर पाए जाने वाले तमाम खलवी अजवीचों के बारे में बहस की जाए तो इसको एक तरसीमी खाका की मदद से बताया जा सकता है जैसा कि आप इस तरसीमी खाका को देख रहे हैं कि खली के तीन हिस्से होते हैं नक्स माया खलीये और खलवी दीवार नक्स माया को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाजम कहते हैं आप लोगों को मालूम होगा कि प्रोटोप्लाजम वाकई में होता क्या है साइटोप्लाज्म और मरकज़ा यानी खलवी माया मरकज़ा दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं खलवी माया में मुख्तलिफ मुख्तफ़ के खलवी अजवीचे पाए जाते हैं जैसा कि तरसीमी खाका में देख रहे हैं कि खलवी माया में पाए जाने वाले खलवी अजीचे जैसे गैर खुद दोहरीत खलवी अजवीचे और खुद दोहरीत खलवी अजवीचे गैर खुद दोहरीत खलवी अजवीचे मुख्तलफ़स्म के होते हैं जैसे दरोजाल रबोज़ोम गालजीजोम लाइसोजोम खुरुदजसाम खुरद रेशे और नालियाँ पेरॉक्सिजोम और वगैरह वगैरह लेकिन ख़ुद दोहरीत दुख, खलवी अजवीचे सिर्फ दो कस्म के होते हैं तबानिया, सब्ज मायादान तवानिया को माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है और सब्ज मायादान को क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं अब इन के बारे में पढ़ने के बाद एक एक खलवी अजवीशे के बारे में तफसील से मैं आपको बताऊँगा जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा खली के अतराफ एक दबीज़ दीवार पाई जाती है गैर लचकदार होती है इस दीवार को खलवी दीवार कहते हैं खलवी दीवार को रॉबर्ट हुक ने दरियाफ्त किया खलवी दीवार नबाती खलियों की खसूसियत है ये हवानी खलियों में गैर मौजूद होती है ये तीन परतों पर मुश्तमिल होती है चलिए हम आपको एक खली खलवी दीवार की स्लाइड बताएंगे ये जो देख रहे हैं खली दीवार की स्लाइड है दरमियान में झिल्ली है और दोनों जानेब दो परतें हैं यानी ये तीन परतों पर मुश्तमिल होती है खलवी दीवार के दरमियान में पाई जाने वाली ये झिल्ली कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है आप लोगों को पता होगा कि खलवी दीवार में एक छोटे छोटे सुराख या मसाम पाए जाते हैं इन मसाम को प्लास्मा डेस्मेटा कहते हैं जैसा कि ये जो स्लाइड देख रहे हैं इसमें खलवी दीवार में छोटे से मसाम हैं इसको प्लास्मा डस्मैटा कहते हैं चलिए अब हम आपको खलवी दीवार के निचले जानेब पाए जाने वाले हिस्से को बताएंगे खलवी दीवार के निचले जानेब प्लास्मा झिल्ली पाई जाती है प्लास्मा झिल्ली लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है यानी ये लचकदार होती है और ये शहमियात और लहमियात से बनी होती है प्लास्मा झिल्ली के मुख्तलिफ नमूने हैं जैसा कि आपके सेलेबस में शामिल किए गए सिर्फ दो नमूनों के बारे में मैं बता रहा हूँ प्लास्मा झिल्ली के नमूने इस तरह से हैं पहला सैंडविच नमूना जिसको डैनियल और डेवसन ने दरियात किया और दूसरा सियाल पिचकारी नमूना जिसको सिंगर और निकोलसन ने दरियाफ्त किया पहला सैंडविच नमूने के बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा इस नमूने के मुताबिक फॉसफोलिपिड के सालमात सैंडविच की तरह प्रोटीन के सालमात से बनी दो परतों के दरमियान होती हैं इस तरह की झिल्ली को इकाई झिल्ली या यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं रॉबर्टसन के मुताबिक तमाम झल्लियाँ प्रोटीन लिपिड और प्रोटीन तरतीब में होते हैं इसके बाद दूसरा नमूना सियाल पिचकारी नमूना इसको फ्लूड मोजाइक मॉडल भी कहते हैं फ्लूड मोजाइक मॉडल को सिंगर और निकोलसन ने दरियाफ्त किया लेकिन इस नमूने के बारे में तफसील से मालूम हासिल करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये पहले जो स्लाइड देखें जिस तरह से ट्राई लैमार जो परतें हैं यानी तीन परतें हैं उस तरह इस मॉडल में या नमूने में नहीं होते हैं यानी फ्लूड मोजाइक मॉडल में हमेशा प्रोटीन्स लिपिड्स के दोनों जानब नहीं पाए जाते हैं प्रोटीन्स कभी कभार लिपिड्स के दरमियान में होते हैं या लिपिड्स के दो परती में धंसे होते हैं या प्रोटीन्स लिपिड्स के ऊपर पाए जाते हैं जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक छोटा सा एक प्लास्टिक का बॉल पानी की सतह पर जब तैरता हुआ नज़र आता है वो जो है प्रोटीन के सालमात की तरह है यानी ये जो रॉबर्टसन के मॉडल के से अलग है इस नमूने को जो सिंगर निकोलसन ने दरियाफ्त किया इन्होंने ये बताए कि प्रोटीन के सालमात हमेशा लिपिड्स के दोनों जानिब नहीं होते हैं बल्कि लिपिड्स के अंदर धसे हुए होते हैं ऐसे प्रोटीन के सालमात को इंट्रेंसिक प्रोटीन्स कहते हैं और लिपिड्स के ऊपर पाए जाने वाले प्रोटीन के सालमात को एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स कहते हैं देखिए ये जो स्लाइड जो देख रहे हैं आप इस पर दरमियान में एक गोल सी जो साख्त नज़र आ रही है इसको इंट्रेंसिक प्रोटीन्स कहते हैं यानी ये लिपिड की परत के अंदर धसे हुए हैं और ऊपर के जानब जो पाए जाने वाले प्रोटीन्स को एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं ये है रहा सियाल पिचकारी नमूना ये नमूना बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह समंदर में बर्फ़ के तोे तैरते दिखाई देते हैं बिल्कुल इसी तरह प्रोटीन के सालमात लिपिड के समंदर में तैरते नज़र आते हैं मैं अब आपको दरो माई जाल दूसरा खलवी अजवीचे के बारे में बताऊंगा। दरो माई जाल होता क्या है और कहाँ वाक़ा होता है खलवी माए के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं खलवी माए के अंदर दरो माई जाल प्लास्मा झिल्ली और मरकज़ी झिल्ली के दरमियान पाई जाती है इस दरोमाई जाल को एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं दरोमाई जाल दो किस्म की होती है खुरदरी और चिकनी दरोमाई जाल देखिए ये जो दरोमाई की जाल की स्लाइड जो देख रहे हैं इसमें आप राइबोसोम्स और परतें दो तरह निशानदही की गई है राइबोसोम्स दरोमाई जाल पर जब पाए जाते हैं तो ये दरोमाई जाल खुरदरी दरोमाई जाल हो जाती है कहने का मतलब ये है कि राइबोसोम्स एक मखसूस किस्म के प्रोटीन से दरोमाई जाल पर जुड़े होते हैं इस मखसूस किस्म की प्रोटीन को राइबोफोरिन कहते हैं दरोमाई जाल दो शक्लों में पाई जाती है खुरदरी दरोमाई जाल रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम और चिकनी दरोमाई जाल स्मूथ वॉल एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स अगर दरोमाई जाल से जुड़े होते हैं तो इस दरोमाई जाल को खुरदरी दरोमाई जाल कहते हैं जब राइबोसोम एंडोप्लास्पिक रेटिकुलम या दरोमाई जाल से जुड़े नहीं होते हैं तो इस दरोमाई जाल को चिकनी दरों माई जाल कहते हैं जैसा कि दरोमाई जाल के अकसाम बताए गए हैं और ये जो दरोमाई जाल पहला दानेदार दरोमाई जाल इसको ग्रैन्युलरार एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं या रफ वॉल एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं दूसरा गैर दानेदार दरोमाई जाल जिसको चिकनी दरोमाई जाल कहते हैं दानेदार दरोमाई जाल को खुरदरी दरोमाई जाल भी कहते हैं दरोमाई जाल के झिल्लियों पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं ये राइबोफोरिन नामी प्रोटीन से जुड़े होते हैं जिसकी वजह से इनकी सतह खुरदरी हो जाती है अगर राइबोसोम गैर मौजूद हो तो दरोमाई जाल को चिकनी दरोमाई जाल कहते हैं दानेदार दरोमाई जाल यानी खुरदरी दरोमाई जाल प्रोटीन्स और लिपिड्स की तालीफ में हिस्सा लेती है लेकिन गैर दानेदार दरोमाई जाल सिर्फ शहमियात की या लिपिड्स की तालीफ में मदद करती है चलिए अब आपको राइबोसोम्स के बारे में बतलाएंगे। राइबोसोम खलवी माया में पाए जाने वाले छोटे खलवी अजवीचे हैं जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से दरियाफ्त किया गया है राइबोसोम्स को पेलाडे नामी साइंसदान ने दरियात किया राइबोसोम्स को प्रोटीन के कारखाने भी कहते हैं अंग्रेजी में इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं और राइबोसोम्स का दूसरा नाम है एरगोजोम खलवी माया में पाए जाने वाले राइबोसोम्स की साख्त इस तरह से होती है जैसा आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें दो इकाइयों पर मुश्तमिल होते हैं राइबोसोम्स के दो इकाइयाँ एक बड़ी इकाई और दूसरी छोटी इकाई अगला स्लाइड में आप देख रहे हैं राइबोसोम के अकसाम जैसे कि पेश नवाती खलियों में आपको पता होगा कि सतर एस के राइबोसोम पाए जाते हैं और कामिल नवाती खलियों में 70 और अस्सी एस होते हैं यानी इस पेश नवाती खलियों में सिर्फ जो सतर एस के होते हैं ये कामिल नवाती खलियों के खलवी अजवीचों में पाए जाते हैं राइबोसोम्स दो गैर मसावी इकाइयों पर मुश्तिल होती हैं बड़ी और छोटी प्रो कैरियोटिक सेल जैसा कि पेश नवाती खलिया कहा गया इस पेश नवाती खलिए के सत्तर एस राइबोसोम के दो जेली इकाइयाँ पचास और तीस एस होती हैं लेकिन कामिल नवाती खलियों में पाए जाने वाले राइबोसोम अस्सी एस किस्म के होते हैं इसके दो जेली इकाइयाँ साठ और चालीस होती हैं ये दोनों इकाइयों का आपस में जुड़ना और जुदा होना खलिए के अंदर पाए जाने वाले मैग्नीशियम रवों के अर्तकाश पर मुनसर होता है अगर खलिए के अंदर मैग्नीशियम रो का अर्तकास बढ़ जाता है तो आपस में दोनों इकाइयाँ जुड़ जाती हैं जब खलिए के अंदर मैग्नीशियम रो का अर्तकाज घट जाता है तो दोनों इकाइयाँ अलग अलग हो जाती हैं अब आपको पता ये होगा कि राइबोसोम्स अगर दरों जाल से जुड़े नहीं होते हैं तो हमें अंदाज़ा ये भी होता है खली के अंदर प्रोटीन की अमल में नहीं आ रही है और अगर चे राइबोसोम्स माई जाल से जुड़े होते हैं तो ये जाहिर होता है कि खली के अंदर प्रोटीन की तालीफ अमल में आ रही है पहले अजीज बच्चों जैसा आप जानते हैं कि ईस्ट खलिया है या आप मुखसबी खली हैं और कैंसरस खली हैं इन तमाम खलियों में बहुत ज़्यादा तादाद में राइबोसोम्स पाए जाते हैं और राइबोसोम्स का अफवाल होता क्या है राइबोसोम्स पहले ही मैं बता चुका हूँ राइबोसोम्स प्रोटीन के तालीफ में मदद देते हैं चलिए हम अब आपको अगला खलवी अजवीचे के बारे में बताएंगे इसका नाम है मरकजा जैसा कि आप इससे कबल स्लाइड देखे हैं इस खलिए के दरमियान में जो एक कुरबी शक्ल की जो साख्त पाई गई थी जिसको मरकजा कहते हैं ये मरकजा खलिए में होने वाले मुख्तलफ़ कार्यों गर्द को काबू रखता है इसको खली के सबसे अहम खलवी अजवीचा समझा जाता है मरकजा खली में वाद या एक होता है बास खलियों में एक से जद भी होता है जैसा कि खली के अंदर मरकजा गैर मौजूद होता है तो इस खली को ए न्यूकलीट खलिया कहते हैं और बास खलियों में दो मरकज़े होते हैं जैसा कि फंजाई का खलिया मिसाल के तौर पर दिया जाता है और उसके अलावा पैरामीशियम के खली में भी दो मरकजे होते हैं जैसे कि कबीर और कसीब मरकजा इस हालात को डाइकैरियोटिक कहते हैं और जब खली के अंदर दो से जायद मरकज़े होते हैं उस हालात को सीनोसाइटिक कहा जाता है जैसा स्लाइड देख रहे हैं इसमें 80 फ़ीसद प्रोटीन्स 20 फीसद डी 5 फ़ीसद आर एन ए फ़ीसद चर्बी पाई जाती है इस स्लाइड में आप देख रहे हैं के मरकज़े के अतराफ जो झिल्ली नज़र आ रही है इस झिल्ली को मरकजी झिल्ली या मरकजी गिलाफ़ कह रहे हैं इसको न्यूक्लियर एनवलब भी कहा जाता है और दूसरा दरमियान में जो नज़र आ रहा है कुरी शक्ल की साख्त इसको मरकजी चा कहते हैं और मरकजी चा के अंदर आर एन ए की तालीफ अमल में आती है मरकज़ा चार अहम हिस्सों पर मुश्तमिल होता है पहला मरकजी झिल्ली जिसको थीका कहते हैं और दूसरा मरकजी माया इसको लिम्फ कहते हैं और तीसरा लोनिन मादे जिसको क्रोमैटिन रेटिकुलम भी कहा जाता है और चौथा न्यूक्लियोलस जिसको मरकजी चाबी कहते हैं मरकज़ी के अतराफ़ पाए जाने वाली गिलाफ मरकज़ी गिलाफ़ के बारे में बताऊँ कि मरकज़ी गिलाफ पर छोटे छोटे से मसाम पाए जाते हैं और ये दो परतों पर मुश्तमिल होती है खलबी तकसीम के दौरान प्रोफेस मरहले में मरकजी खिलाफ तहलील हो जाती है और दोबारा फिर से टीलोफेस मरहले में ये फिर से तैयार हो जाती है मरकज़े का दूसरा अहम हिस्सा मरकजी माया मरकज़ी जिल्ली के अंदर गाढ़ा सियाल पाया जाता है जिसको नबाती माया या मरकजी माया या कैरियोलिम्फ कहते हैं मरकजी माया में ग्लकोप्रोटीनस रैबोन्यूक्ोप्रोटीन खामरे आरनेपोलिम्रेस डी एन ए और क्रोमैटिन मादे पाए जाते हैं और मरकजे के अंदर पाए जाने वाला तीसरा अहम हिस्सा लोन मादे लोन मादे को लोनी अजस्म भी कहा जाता है क्योंकि खलवी तकसीम के दौरान खलवी तकसीम के इब्तायी मरहले में लोन मादे धागे नुमा साख्त में पाए जाते हैं लेकिन टीलोफेस के मरहले में लोन माले मादे, मादे दबीज़ हो जाते हैं इसको क्रोमोजोम भी कहा जाता है इसी के लोनीन, इसी को लोन मादे भी कहते हैं और तीस चौथा अहम हिस्सा मरक़े का मरकजीचा कहते हैं इसको न्यूक्ोलस भी कहा गया हर मरकजे के अंदर एक मरकजीचा पाया जाता है मरकजीचा के अंदर आर एन ए की तालीफ अमल में आती है एम आर एन ए और आर आर एन ए की तरकीब दोनों की तरकीब मरकजीचे के अंदर ही होती है खलबी तकसीम के दौरान मरकजीचा ही नहीं बल्कर मरकजी गलाफ दोनों प्रोफेस के इब्तदाई मरहले में तहलील हो जाते हैं और आखिरी मरहले में यानी टीलोफेस के मरहले में मरकजी चा और मरकज़ी झिल्ली फिर से दोबारा तैयार हो जाती हैं ये आप मरकजे के बारे में पढ़े हैं और मरकजी की जो है आप अफाल के बारे में अगर आपको बताया जाए तो मरकज़ा जो है तवारस में अहम रोल अदा करता है चलिए मैं अब आपको अगला खलवी अजवीचे के बारे में बताऊँगा ये जो खलवी अजवीचे के बारे में बता रहा हूँ इसको खालिया या वैक्यूल कहते हैं खालिए या वैक्यूल नबाती खलियों में ही पाए जाते हैं नबाती खलियों की खसूसियत है नबाती खलियों में यानी इब्तई खलीए जो होते हैं जिसको उम्र खिए भी कहते हैं ये इन उम्र खलियों में खालिए छोटी जिसामत के होते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं ये जो छोटी जिसामत के खालिए आपस में जुड़कर एक पुख्ता खालिए को तैयार करते हैं इसी को वैक्यूल भी कहा जाता है वैक्यूल को फ्रे वेजलिंग नामी साइंसदान ने दरिया किया जैसा कि उम्र खियों में छोटी जिसामत के खालिए कसीर तादाद में पाए जाते हैं जिस तरह से खलिया पुख्ता होता है उसी तरह से धीरे धीरे से आपस में ये छोटे छोटे खाली जुड़कर एक बड़ा खालिया को तैयार करते हैं जिसकी वजह से खली के दरमियान में ये पाया जाता है खालिए के अतराफ़ एक पतली सी लचकदार झिल्ली पाई जाती है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं इस टोनोप्लास्ट की बनावट लिपिड्स और प्रोटीन की होती है खलवी रस में पानी मदनियात शक्कर नामियाती तुरशे गोंद टनस लहमियात और चंद उल्वान पाए जाते हैं खालियों को खली का जख़ीरा घर भी कहते हैं चलिए मैं अब आपको खाली का स्लाइड बताऊंगा। देखिए ये जो स्लाइड देख रहे हैं एक पुख्ता नबाती खाली की स्लाइड है इसके अंदर सफ़ेद रंग की जो साख्त नज़र आ रही है ये माया है इसी को जो है सेल सैप या खलवी रस भी कहते हैं ये तकरीबन ख़लीये के अंदर 90 फ़ीसद पाया जाता है और बखिया 10 फ़ीसद जैसा बताया गया है नामियाती मादे टैनन्स मादनियात वगैरह वगैरह पाए जाते हैं आज के इस प्रोग्राम में आप नबाती खली की साख्त और चंद खलवी अजवीचों के बारे में मालूम हासिल की और मज़ीद मत के लिए आप इस पते पर रबता क़ायम कर सकते हैं एस मकबूल अहमद लेक्चर नबातात निज़ामत फ़ासिलतीी तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्ची बोली हैदराबाद पिन कोड पाँच सिफ़र 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 तीन दो अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए आदा